बढ़ती कोरोना के खतरे को रोकथाम के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धनबाद के रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आने जाने वाले यात्री जो दूर दराज से यात्री हैं उनके यहाँ पे कोरोना जांच की जा रही है। इस संबंध में हम खड़े हैं धनबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो दूर दराज से जो यात्री यहाँ पे आए हैं यहाँ पे सबों का कोरोना जाँच किया जा रहा है। हालाँकि धनबाद में खास करके बात की जाए कोरोना के संक्रमण में तो थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो चेहरे पे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे जो भी यात्री दूर दराज से आए हैं उनके यहाँ पे कोरोना जांच की जा रही है। इस संबंध में यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं हम सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं। 1 बजे से रात को 9 बजे वाले टीम ए में करीबन 125 का करीब टेस्ट हो चुका है अभी तक। हाँ, अभी तक का, और उसमें 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना इंटरसिटी से जो गाड़ी आई है उसमें 2 पॉजिटिव हैं, उसके पहले वाली गाड़ी से 1 पॉजिटिव केस है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं हो पा रही, लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। एक्चुअली लोगों में ज़्यादातर को ये है कि मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे कोरोना से अब डर नहीं है। ये बात सही है कि कोरोना से डर नहीं है, ये गलत चीज़ है। हाँ, अब उनकी जान को खतरा नहीं है, बट वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर वो होंगे तो वैसा खतरनाक केस नहीं होगा, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो घर जाएंगे तो अपने बच्चों को या बूढ़े को या कोई असाध्य रोग से पीड़ित है उनको बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। इसीलिए लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि अगर हम स्टेशन से आ रहे हैं, किसी ट्रेन का सफ़र करके आ रहे हैं, भीड़ भाड़ से आ रहे हैं, तो हम अपना टेस्ट स्वेच्छा से अच्छी तरह से करा लें, ताकि अगर कोई तरह की बात हो तो उन्हें यहीं पर पता चल जाए। लेकिन लोगों में ये भावना की कमी पाई जा रही है। दूसरी है कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, भीड़ भाड़ जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड कीजिए, अगर बहुत ज़रूरत हो तभी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों के बीच में इस भावना की कमी है, इस भय से कि डबल वैक्सीनेटेड है इसलिए हमको कोई खतरा नहीं है, बस ये भावना लेके चल रहे हैं लोग। यानी लोगों में गलत फहमी है कि अगर मान लीजिए कि हम डबल वैक्सीनेटेड हैं तो हमको कोरोना नहीं पकड़ेगा। हाँ, ये गलत फहमी है कि हमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना उनको भी तो बेपरवाह, हाँ उनको भी हो सकता है। हाँ, खतरनाक स्थिति में वो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अपने से दूसरे को, घर के अन्य सदस्य को अफेक्टेड कर सकते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो आपने सुना कि लोगों में थोड़ी सी लापरवाही इसलिए देखने को मिल रही है कि लोगों को ये कहना है कि वो डबल वैक्सीनेट है और इसके वजह से उनको कोरोना नहीं पकड़ेगा, और शायद इसी की वजह से लोगों में लापरवाहियाँ देखने को मिलती है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आज 1 बजे से लेकर के दूसरी पाली में लगभग 700 यात्रियों की कोरोना जाँच की गई है, जिसमें 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। स्टेशन पर जो कोरोना जांच हो रही है इसमें कहीं कहीं कोरोना पॉजिटिव मिल ही जाते हैं, और ऐसे में लोगों को जो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है उनको करना है बहुत ही जरूरी है। चूँकि कोरोना गाइडलाइन का पालन यह है कि आप चेहरे पे मास्क लगाएं, जब भी आप घर से निकलें तो चेहरे पे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम मिरर मीडिया के माध्यम से तमाम धनबादवासियों से भी यह अपील करेंगे कि जिस तरह से लगातार अभी भले ही धनबाद में कोरोना के संक्रमण में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे में मिरर मीडिया एक बार पुनः अपील करती है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार भी स्वस्थ रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ राजेश कुमार, मिरर मीडिया न्यूज़ धनबाद।